कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर एना, थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। आप KGMU के हो, आपने हमारे साथ फाउंडेशन बैच ज्वाइन किया था 2014 से 2016 तक, आपने हमारे यहाँ सारी क्लासेस करी एंटिल इंटर्नशिप। तो मैं आपसे इनिशियली सबसे पहले यही पूछना चाहूंगा कि अगर आपसे मैं पूछूं विच वाज द बेस्ट सब्जेक्ट जो आपको बहुत ही अच्छे लगे, तो आप बताओ। टू स्टार्ट विद आई वुड लाइक टू से एनाटॉमी वाज द बेस्ट फॉर मी, इट वाज द बेस्ट, ऑल द सब्जेक्ट्स वर वेरी गुड बट एनाटॉमी वाज द बेस्ट, डॉक्टर अश्विनी सर, राइट, इज अ क्राउड फेवरेट, यस, एंड डॉक्टर थमीम सर फॉर मेडिसिन, आ फार्माकोलॉजी सर डॉक्टर सौरभ भाटिया, राइट, ही वाज आउटस्टैंडिंग, हिज नोट्स वर वेरी गुड, ओके, एंड देन डॉक्टर and then for physio, I would like to thank him. And then short subjects. Okay. A special mention for the short subjects. Okay. Because the notes were very, very helpful. Okay. In covering those large topics and mm-hmm. summing up them. Okay. So they were very helpful. Mm-hmm. And all my teachers, I would like to say a big thanks to all of them. I'll definitely convey to them. Thank you. अगर मैं आपसे आई जस्ट वॉन्ट टू इलेबोरेट ऑन अ थिंग, इफ यू कम अक्रॉस सम डिफिकल्ट क्वेश्चन, जैसे आप दे रहे हो देर 300 ऑड क्वेश्चन हो, देर इज अ लिमिटेशन ऑफ टाइम ऑल्सो, तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि आपके जूनियर्स को थोड़ा सा जो अपियरिंग आगे कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ा आपसे गाइडेंस मिले, तो हाउ टू गेट थ्रू दोज क्वेश्चन और गेट थ्रू दैट पैनिक टाइम व्हेन यू राइट देयर इन द एग्जामिनेशन। The exam is all about 300 questions. It's not a matter of one or two questions. So if you are stuck somewhere, you can leave that question for a moment and then come again. Right. So to begin with, I would like to say that you have to be very calm, very confident throughout. Right. Not in the beginning, not at the end, but throughout. Right. First, जो आ रहा है उसको ठीक से करो. ठीक है? You know those questions, उनको अच्छे से attempt करो. बी श्योर के तुम इजी क्वेश्चंस ना गलत करो, ओके, यस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस सही करना ऑब्वियसली गेट्स अ गुड, यू विल गेट अ गुड रैंक, बट इजी क्वेश्चंस नहीं गलत करने, अदरवाइज यू विल रिग्रेट कि जो पढ़ा है वो सही करके हो, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। और सेकेंड टाइम जब तुम डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी देखोगे तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि वो सही हो जाए, तो दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि जब आप पैनिक कर रहे हो तो अपना कॉन्फिडेंस मत लूज करो, take your time and move on, pure 300 attempt karo, get them right, mm-hmm. and then come again, tab get back to those questions to fir first time se bahut zyada probability ki second time mein right. wo aap sahi kar lo, yeah, that's a very valid point. another thing I'd like to ask you, ab logon ne is baar aapne notice kiya hoga ki the duration of the classes was increased, hamara last year tak it was like a 45-44 day program, but this time the classes were 55 to 56 days, so hum logo ne we went into detail, minutest of details of every subject, plus a big add on in the timings because of the visual image based sessions and questions, to wo aapko kaisa fayda laga? Iska importance tab hota hai jaise jo class 4 days mein aapko karni hai, you get another one day, right, so sare jo difficult concepts hain टीचर के लिए भी वो उसको बेटर एक्सप्लेन करते हैं, एंड वी गेट टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स बेटर, स्ट्रेन भी कम होता है सब कुछ, एंड यू बेटर अंडरस्टैंड दोज कॉन्सेप्ट, ये इस तरीके से हेल्पफुल है। और शॉर्ट सब्जेक्ट्स भी जैसे आपने एक की जगह दो दिन करवाए, तो दैट हेल्प्स इन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, कि मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर टच्ड, सो वी गेट के हाँ वी नो द सब्जेक्ट, हम लोग का सेटिस्फेक्शन भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर इस तरीके से इम्पोर्टेंट है। और इमेज बेस्ड तो मतलब एग्जाम में आफ्टर एवरी 4 or 5 क्वेश्चंस यू गेट एन इमेज बेस्ड, सो दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट इन गेटिंग अ गुड रैंक, सो दैट वाज वेरी हेल्पफुल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द क्लास विद ऑल सब्जेक्ट्स आई थिंक वी हैड देम इमेज बेस्ड सेशंस, सो दैट वाज वेरी हेल्पफुल, एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर दैट, इज आवर प्लेजर। इन द लास्ट आई वुड लाइक टू आस्क यू, आफ्टर सच अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, आप किसको डेडिकेट करना चाहोगे? Dr. Bhatia Medical Institute, a big thanks to you. Thank you so very much. To all my teachers, God, family, friends. Okay. And then to myself. Most deserving. I worked so hard. Yes, that's the most deserving. So, मैं last में आपको एक बार फिर से a big congratulations from my side and wish you all the best for the upcoming exams. I hope आप AIIMS में भी हमें top करके दिखाओ.
आई विल ट्राई. थैंक यू.